एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है अगर आप जो है एक सैमसंग यूज़र हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके सैमसंग के डिवाइस के लिए एक जो है एनर्जी रिंग लेके आया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं चार्जिंग पे यहाँ फोन लगाया हुआ है तो एनर्जी रिंग जो है मेरा वर्क कर रहा है, घूम रहा है जब तक ये चार्ज नहीं हो जाएगा। जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा तब ये पूरा एनर्जी रिंग जो है कम्प्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो है मैं सभी सैमसंग डिवाइसेस के लिए लेके आया हूँ, जैसे कि सैमसंग A51 हो गया आपका, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 हो गया, गैलेक्सी S10 हो गया, और आपका जो है गैलेक्सी Z हो गया। इतने जितने भी डिवाइस हैं उनके लिए मैं जो है एनर्जी रिंग लेके आया हूँ। और आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने फ़ोन पे इसे कैसे इंस्टॉल करना है और इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, मेरे पास जो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S10 है, तो मैंने ये एनर्जी रिंग S10 में इंस्टॉल किया है। और आपने जो है अपने डिवाइस में कैसे सेट करना है, किसी भी सैमसंग डिवाइस में आप सेट कर सकते हैं, तो कैसे सेट करना है उसके लिए आपको वीडियो मेरा पूरा यहाँ पे देखना होगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ जो हैं अपलोड होती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK NewsTech चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सभी मतलब जितने भी डिवाइस हैं, जैसे कि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S10 है, तो मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S10 का ऐप है, तो मैं आपको सभी डिवाइसेस के नीचे लिस्ट दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। जो अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A51 है तो उसका भी मैं ऐप दे दूंगा, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है तो उसका भी ऐप दे दूंगा, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S10 है मेरी तरह तो उसका भी ऐप मैं नीचे आपको दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, जब इस ऐप को डाउनलोड करना है तो मैं इन ऐप्स का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसे इनेबल करेंगे तो आपने परमिशन इसे अलाउ करनी है, ठीक है, परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है रिंग की कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि रिंग की थिकनेस मैं कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और भी कम कर सकता हूँ, जितनी आपको अच्छी लगे आप उतनी रिंग की साइज़ जो है कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप रिंग डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, बाय डायरेक्शन भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लॉन्च एंड स्लो डाउन यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप जो चार्जिंग एनिमेशन है उसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेगमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो सेगमेंट में भी आप कलर चेंज कर सकते हैं ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर कलर चेंज कर दिया, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। सो दोस्तों, यही जो रिंग है ये मैंने J7 Next में भी इंस्टॉल किया है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने J7 Next में भी ये रिंग जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इसे सेट कर सकते हैं मेरी तरह। तो इसका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।